सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी ब्रदर्स पर। आज हम हाजिर हैं आपके लिए एक्सरसाइज लेसन लेकर के, और ये एक्सरसाइज लेसन इस तरह के हैं कि आपको एकदम जीरो लेवल से अगर आप शुरू कर रहे हैं हारमोनियम सीखना, तो जीरो लेवल से एक अच्छा हारमोनियम प्लेयर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप अगर बिल्कुल भी हारमोनियम बजाना नहीं जानते हैं, अभी आपने हारमोनियम खरीदा है या अभी हारमोनियम लेकर के आप शुरू कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और आपके बिल्कुल जीरो लेवल से और एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा हारमोनियम प्लेयर बनने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपने अगर ये हमारे लेसन शुरू से नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लेसन का लिंक है, आप एक एक करके सारे लेसन देखिएगा। आज जो हम बना रहे हैं लेसन नंबर 6 बना रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले 5 लेसन अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी लेसन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखें। और आज हम करेंगे लेसन नंबर 6, और देखिएगा आज मैं आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगा, और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा वो दोनों स्केल से बताऊंगा, मेल फीमेल। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जो हम एक्सरसाइज करवाएंगे मेल के स्केल से करवाएंगे और फीमेल के स्केल से करवाएंगे, फीमेल के भी दो स्केल होते हैं, जिनकी थोड़ी लो पिच होती है जिन फीमेल की, उनका स्केल अलग होता है रियाज करने का, और जिनकी थोड़ी अपर पिच होती है, थोड़ी हाई पिच होती है, उनका स्केल अलग होता है। तो फीमेल के भी दोनों स्केल से मैं आपको आज ये एक्सरसाइज कराऊंगा, और मेल के स्केल से भी। पहले हम मेल का स्केल करेंगे, उसके बाद फीमेल का स्केल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है सारेगामा पाधा निशा, उस पर फिंगर चलाने का क्या तरीका है, किस तरीके से चलानी चाहिए, वो सब हम पहली एक्सरसाइज में बता चुके हैं, उससे आगे बढ़ेंगे आज हम। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज ही है। अब आज की जो एक्सरसाइज है वो देखिए, आज की एक्सरसाइज है सारे गारे गारे सा, सारे गारे गारे सा, रे गा मा गा मा गा रे, ये हुआ इस एक्सरसाइज का आरोह, ठीक है। अब मैं दोनों तीनों फिंगर से बजा के दिखाता हूं, क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया वो सोलो फिंगर से था, वन फिंगर से। सोलो फिंगर से बताता हूं, सिंगल फिंगर से, सा नी धा नी धा नी सा, नी धा पा धा पा धा नी, धा पा मा पा मा पा धा, पा मा गा मा गा मा पा, मा गा रे गा रे गा।
कर रहे हैं, आपको क्या करना है कि पहले इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, फिर इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। जब आप अच्छी रनिंग में इसको करने लगेंगे तो आपका हाथ खुलने लगेगा, फिंगर अच्छे से चलने लगेंगे। एक बार थोड़ा स्लो से फास्ट की तरफ बजा के दिखा दिया। जिनकी लो पिच है, अब लो पिच वालों के लिए यहां से प्रैक्टिस करते हैं। ये जी शार्प है, जी शार्प मेजर, ठीक है, चौथा काला मध्य सप्तक, ठीक है। अब यहां से उनका सा बनता है, उनके लिए फीमेल के लिए मध्य सप्तक होता है, ठीक है। अब देखिएगा, फीमेल अगर इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, सही स्केल सही स्वर रहे और टाइमिंग सही रहे, इक्वल टाइमिंग आए सब पर, टाइमिंग में कहीं गड़बड़ ना हो। जिनका हाई पिच है थोड़ा और जिनको वो किसी स्केल से रियाज करते हैं, पांचवे काले से, ए शार्प जिसको बोलते हैं या बी फ्लैट बोलते हैं,
तो वो कैसे बजाएंगे इस एक्सरसाइज को आप देखिएगा, उनके हिसाब से सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये स्वर बैठेंगे ठीक है। अब देखिएगा सा रे गा रे सा रे गा मा गा मा गा रे करेंगे। और अगर आप इसको पहले बिल्कुल स्लो में प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाते जाएंगे जहां तक भी आप जितना भी हाई तक कर सके उतना कर लीजिए। और बस ध्यान ये रखना है कि टाइमिंग गड़बड़ ना हो और आपकी फिंगर मिस्टेक ना हो, ये ध्यान रखना है। और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपकी फिंगर मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी और आप धीरे धीरे बहुत अच्छे से बजाने लगेंगे। कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।